लेके आपने भाई हमें बना दे। हाँ तो कैसे केजी लेता है, कैसे पैसा लेता होगा? आधा किलो का 40 रुपया है। आधा किलो का 40 रुपया। फूल गोभी कैसे देते भैया? 80 रुपया। मूली कैसे है भैया? मूली 30 रुपया है। और टमाटर कैसे है? टमाटर 80 रुपया है भाई। अब देखिए यहाँ भीड़ हो गया है भाई। ना भैया मूली कैसे दिया था? मूली सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहर और हमारे यूट्यूब चैनल मोहर राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज दिन है गुरुवार और हम आ गए हैं दर्रीपारा भैयाथान में और यहाँ बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है गुरुवार को। तो चलिए दोस्तों आप सभी को आज यहाँ का मार्केट दिखाते हैं जो हमारे पीछे साइड है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। दर्रीपारा मार्केट मतलब बहुत ही अच्छा मार्केट है। हम लोग अभी वहाँ पर रुके थे, वहाँ कुछ समोसा वमोसा खा रहे थे। और देखिए यहाँ का मार्केट मतलब ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, मतलब छोटा सा मार्केट है। ये भाई और यहाँ से हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट भी करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं यहाँ का मार्केट। और देखिए इस साइड फुल्की चाट वाले भाई साहब हैं। और देखिए पानी भी आ गया भाई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आया है यहाँ। और हम लोग बहुत टाइम से आए हैं, मतलब 3 बजे से आए हैं यहाँ और पानी छूटने का नाम भी नहीं ले रहा था। और देखिए भाई इधर फुल्की चाट। और देखिए अब भैया भाटा कैसे दिया था? भाटा 50। परवल भैया? और टमाटर कैसे है? टमाटर 80 रुपया है भाई। और यहाँ पर से एक कपड़ा दुकान है भाई इस साइड। और इधर चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं अभी। बरबट्टी कैसे दिया था भैया? और पत्ता गोभी के? और टमाटर कैसे है तुम्हारे यहाँ? 80 रुपया है। आलू भैया कैसे दिया था? 50 में 3 किलो। 1 किलो ले ही तो 20, 3 किलो ले ही तो 50 रुपया। एक नंबर रेट है भाई। और चलिए भाई इधर चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं अभी। और यहाँ पर देखिए नींबू रखे हैं। नींबू का कैसे का है? 10 रुपया है पूरा। प्याज कैसे दिया था भैया? 40 रुपया है प्याज। और चलिए भाई और इस साइड चलते हैं। 10 रुपया बंडल। कहाँ रहे भैया? 10 रुपया बरबट्टी, 10 रुपया बंडल। केला कैसे दिया था भैया? 30 रुपया किलो है। किलो दे। मकई कैसे है भैया? मकई 20। एक नंबर रेट है भाई। और चलिए और इधर चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं। भिंडी कैसे दिया था भैया? भिंडी कैसे है? आधा किलो 30। आधा किलो 30 भाई भिंडी यहाँ। और चलिए और इधर चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं अभी इधर का मार्केट, मतलब इस साइड भी है भाई। और देखिए भाई यहाँ का मार्केट मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भाई कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। और देखिए इधर भी है और इस साइड भी है भाई मार्केट। आलू कैसे है भैया? आलू कैसे दिया था? हाँ नहीं सुन रहे हैं। 20 रुपये है भाई। हाँ 20 रुपये है। प्याज कैसे दिया था जी? 40 रुपया है। 40 रुपया है भाई यहाँ प्याज। और इधर भी है भाई आलू, इस साइड भी आलू 20 रुपये है यहाँ। और चलिए इधर चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं। और इस साइड है एक मनिहारी दुकान है और इस साइड भी मतलब कुछ है।
और सामने देखिए यहाँ पास मतलब मसाला उसाला का दुकान है इस साइड, और यहाँ पास किराना दुकान है भाई, इस साइड आपको किराना दुकान देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ का मार्केट, मतलब यहाँ उतना बड़ा मार्केट नहीं है, मतलब छोटा सा मार्केट है। देखिए भाई इधर किराना दुकान इस साइड भी, और वहाँ एक भाई साहब महुआ तौल रहे हैं। और चलिए इधर चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं यहाँ का मार्केट, और इस साइड है भाई, मतलब इस साइड यहाँ पास रेनकोट दिख रहा है हम लोग को, और कपड़ा दुकान है इस साइड। अब भैया दुकान है, कपड़ा दुकान है तुम्हार? हाँ। और चलिए यहाँ से चलते हैं, और सामने एक होटल है भाई जहाँ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, और देखिए इधर भी गाड़ी है और इधर भी से भी रास्ता है, सामने दिख रहा है ना, वहाँ से भी लोग आते हैं। और यहाँ पर एक मतलब इधर भी कपड़ा दुकान है भाई इस साइड भी, और सामने दिख रहा है वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ एक मतलब इस साइड चप्पल जूता दुकान है भाई। हाँ भैया मजा आते बरसात में। चलिए भाई और इस साइड भी दिखाते हैं अभी आप सभी को यहाँ का मार्केट, और देखिए यहाँ मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, मतलब इससे ज़्यादा ना भैया यहाँ भीड़ भी होते है, कितना टाइम होते है? कितना टाइम लगभग हो जाते हैं? और देखिए यहाँ पर चप्पल जूता का दुकान है भाई, और इस साइड एक मतलब जलेबी उलेबी रखे हैं भैया साहब, और इधर चप्पल जूता का दुकान है इस साइड, और यहाँ कपड़ा दुकान है इस साइड भाई। और यहाँ एक स्कूल है मतलब हाई स्कूल, और देखिए इधर से भी रास्ता है भाई, और इस साइड देखिए कपड़ा दुकान है। हाँ भाई सकते थे ना। अब भैया बता दिया यहाँ का बाजार के बारे में कुछ हो? मेन ठेकेदार से आवा। और चलिए यहाँ पर भाई साहब बुला रहे हैं थोड़ा। हमारे गांव के जो है ये सेठ है, बड़ा बिजनेस में, थोड़ा इधर फोकस करें भाई। इस साइड भी चलते हैं, और यहाँ पर से भाई साहब लोग यहाँ पर बैठे थे जो कि बहुत ही मजाकिया भाई लोग हैं। और चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर भी दिखाते हैं यहाँ का मार्केट। अब भैया नमस्ते, वीडियो बना रहे हो? हाँ अब भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। दुकान दौरी चल रहा है आपका? अरे बरसात का आनंद ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं। अरे ऐसी बात है। और देखिए पानी तो नहीं आ रहा है भैया? पानी तो गिर रहा है। और देखिए भाई यहाँ पानी भी नहीं गिर रहा है, और यहाँ ग्राहक लोग भी नहीं आए हैं भाई, मतलब यहाँ कितना टाइम लगता है भैया यहाँ मार्केट? मार्केट अभी तक तो लग जाता, पानी की वजह से नहीं लगा। हाँ चलिए भाई और इधर चलते हैं, और यहाँ पर हाँ भाई, और यहाँ पर से भैया लोग हम लोग को बुलाए भाई। अब भैया नमस्ते, और कैसे सब ठीक है? हाँ अब बताइए दुकान दौरी अच्छा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है कि थोड़ा सा खटास वाला? मौसम भी आज गड़बड़ है, मतलब पानी जैसा है, तो यहाँ भी ग्राहक भी बहुत कम है। हाँ मतलब मार्केट भी नहीं लग पाया है यहाँ बहुत। अब बस ये सब कैसे रेट है भैया, मतलब आपका ये चप्पल उप्पल दे रहे हैं सब, मतलब स्टार्टिंग कितना से हो जाता है यहाँ आपका? 150 से, और हाईएस्ट कितना जाता है? मतलब 300 तक, मतलब 150 से स्टार्टिंग है और 300 तक लास्ट है, इतना ही तक का यहाँ बिक्री होता है कि उससे ज़्यादा भी हो जाता है? हाँ मतलब गांव का मार्केट है, इसीलिए आप ज़्यादा महंगा सामान भी नहीं रखते हैं, यहाँ लेने वाले भी नहीं रहते हैं। हाँ हाँ जितना सस्ता हो सके, और जैसे कि यहाँ चप्पल उप्पल सब 150 से स्टार्टिंग है सब। हाँ जो चप्पल रहता है वो स्टार्टिंग 50 रुपये से ही रहता है, मतलब जो अच्छा लगे फैंसी वाला वो सब 150 से। चलिए ठीक है भैया फिर मिलेंगे। और चलिए भाई और इधर चलते हैं, और इधर भी दिखाते हैं। थैंक यू।
और चलिए भाई इस साइड चलते हैं, और शायद उस साइड मुर्गा मछली दुकान है, उस साइड वहाँ आपको मुर्गा मछली चिकन उकन जो है उस साइड दुकान लगता है उनका। और इस साइड चलते हैं भाई, और इधर दिखाते हैं आप सभी को। और देखिए भाई यहाँ पर चिकन उकन मछली उछली बनता है यहाँ पर। कैसे बना के देता भैया, कैसे बना के देता है लेके? हाँ बना के कैसे देता लेके आपने भाई हमें बना देता। हाँ तो कैसे केजी लेता, कैसे पैसा लेता होगा? आधा किलो का 40 रुपया। बस मछली है, मछली बना था कि यार कुछ बना था भैया? सब 40 रुपया है, ओकरो रेट है। आधा किलो का 50 रुपये। और चलिए भाई यहाँ से चलते हैं, और देखिए यहाँ का मार्केट, मतलब यहाँ भीड़ भी नहीं होता है भाई, इससे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है मतलब। और मौसम भी बहुत ख़राब है ना यहाँ, और यहाँ एक ही मनिहारी दुकान है भाई, मतलब हम लोग का एक ही मनिहारी दुकान देखने को मिला यहाँ इस मार्केट में। और चन्ना मुद्रा वाले भैया साहब हैं, और सामने आलू उलू है जो कि 20 रुपये मिल रहा है भाई। और चलिए यहाँ से चलते हैं अब आगे। ये देखिए भाई यहाँ का मार्केट, उतना बड़ा मार्केट नहीं है, मतलब छोटा मार्केट है यहाँ, मतलब ज़्यादा बड़ा भी मार्केट नहीं है, और गांव का मार्केट मतलब यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला भी नहीं है और जगहों के मुकाबले। और चलिए इधर और दिखाते हैं भाई। अब भैया करील कैसे दिया था? 10 रुपया दोना, 10 रुपया दोना दे रहे हैं भाई यहाँ करील। और इधर चलते हैं, और इधर भी पूछते हैं सब्जी का रेट। और बच्चे कैसे पाल दिया था? 100 रुपये किलो, आधा किलो दे दो। सौ रुपया किलो है भाई मिर्चा यहाँ। और चलिए भाई और इधर चलते हैं, और इधर भी दिखाते हैं अभी। और इधर भी है देखिए भाई, मतलब यहाँ भी मसाला उसाला भाई साहब लोग पकड़े हैं, और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है भाई। अब भैया करील कैसे दिया था? 50 में 3 दो ना। अब ये करौंदा कैसे है भैया? 10 रुपया। अब वो खड़ा वाला करील मन का 80 रुपया किलो है भैया। मूली कैसे दिया था भैया? अब देखिए यहाँ भीड़ हो गया भाई। ना भैया मूली कैसे दिया था? मूली 10 रुपया किलो है भाई, 10 रुपया किलो के चक्कर में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया भाई। देखिए और देखिए भाई यहाँ का मार्केट, मतलब यहाँ से यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं लगता है भाई। और देखिए यहाँ का मार्केट बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट है भाई, मतलब छोटा मार्केट है, उतना भी बड़ा मार्केट नहीं है, मतलब छोटा मार्केट है यहाँ। और देखिए यहाँ का भीड़, मतलब यहाँ ज़्यादा भी भीड़ नहीं होता है, मतलब यहाँ से मतलब बहुत कम, यहाँ से नहीं के बराबर रहता है भीड़। फूल गोभी कैसे दिया था भैया? 80 रुपया। मूली कैसे है भैया? मूली 30 रुपया है। और फूल गोभी 80 रुपये है भाई यहाँ।
किलो किलो में वही रेट है। भाटा देखिए भाई यहाँ का मार्केट, आलू 20 है भाई। और देखिए इधर का मार्केट, मतलब यहाँ बहुत कम भीड़ है भाई, मतलब यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होता है इस मार्केट में। दोस्तों हम लोग किस बाज़ार से निकल रहे हैं घर, और अगला वीडियो आप किस बाज़ार का देखना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।